जनता जनार्दन खुश है, हम लोग खुश। क्या योगी को अपराधियों से लगता है डर? बाबा की सरकार से माफियाओं की कांपती है रूह। अतीक और मुख्तार का खत्म किया राज, मिट्टी में मिला सारा अहंकार। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर किसकी थी हाथ? एक वक्त था जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती थी तब हमेशा वो उत्तर प्रदेश अपराधियों के अपराधों से जाना जाता था, क्योंकि यूपी में गुंडागर्दी चरम पर थी। सरेआम गोलियों से किसी भी मासूम को छल्ली कर दिया जाता था। बड़े बड़े गैंगस्टर ने भी यूपी में खूब राज किया, बिना किसी कानून के डर से जमकर अपराध किया। उस वक्त कानून से अपराधी नहीं बल्कि कानून अपराधियों से डरता था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त कब करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखते देखते चुनावी रणनीतियों को चाय की चुस्कियों के साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर सही करते और हालातों को संभालते हर किसी ने देखा। जो उत्तर प्रदेश कभी माफियाओं के राज में डहल जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में बिना डरे लोग चैन की सांस ले रहे हैं। ये सब अगर मुमकिन हो पाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद योगी के राज में हो पाया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उन्होंने अपराधों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए। जो पुलिस किसी पर एक्शन करने से भी डरती थी, अब वो पुलिस 24 घंटे पूरे होने से पहले ही मुजरिम को सलाखों के पीछे खड़ा कर देती है। ऐसे ही एक्शंस के कारण योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख दिया और माफियाओं के राज को मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन इसी बीच जो सवाल कई बार जनता हमेशा योगी आदित्यनाथ से पूछती आई है, वो ये कि अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए क्या डर नहीं लगता? इसका जवाब आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने दे ही दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता जनार्दन खुश तो हम खुश। हमारे लिए इससे अधिक खुशी कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि पब्लिक की सुरक्षा में मेरी सुरक्षा निहित है। एक सरकार थी जो कर्फ्यू लगाती थी, एक सरकार है जो शानदार कांवड़ यात्रा निकाल रही है। उन्हें कर्फ्यू प्यारा था और हमें जनता की खुशहाली प्यारी थी। हम लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या? जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है। एक कॉमन मैन खुश है तो हम खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में निहित है। और इसीलिए यह कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार कर रही है आप सबके सामने। 10 वर्ष में देश के अंदर बना सकारात्मक वातावरण अभिभूत करने वाला है। एक तरफ स्वार्थी परिवार है जो गौतम बुद्ध नगर को अभिशप्त बना लेता है, तो दूसरी तरफ मोदी का वो परिवार है जो कुर्सी की चिंता किए बिना नोएडा में विकास कार्य करता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वे सोमवार को जीएल बजाज ऑडिटोरियम नॉलेज पार्क में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा की तीसरी बार सदन में भेजने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि यह वही जनपद है जो 2017 के पहले मुख्यमंत्रियों के लिए अभिशप्त हुआ करता था। यह वही जनपद है जो जनपद 2017 के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिशप्त हुआ करता था। और मैं तब ये समझ नहीं पाया था कि आखिर गौतम बुद्ध नगर जनपद उत्तर प्रदेश का भाग है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिशप्त क्यों है। फिर जब मैंने सूची देखी यहां की और फिर मैं उसके बाद अनुमान लगाने लग गया कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए अभिशप्त इसलिए हुआ करती थी क्योंकि उनके द्वारा भेजे जाने वाले नौकरशाह यहां की जनता को कंगाल करते थे और अपने आप को और अपने संरक्षकों को मालामाल करते थे। ये तथ्य सामने ना आने पाए इसके लिए उनके द्वारा प्रयास होते थे कि इन तथ्यों पर धूल ही झोंका जाए, जितनी पट्टी बांधी जाए वो गांधारी की पट्टी यहां बंधी रहती थी। और मैं देख के ताजुब था कि जब इन चीजों को लेकर के मैं सुनता था तो मैंने स्वयं तय किया कि नहीं भाई, मैं
जिन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद जैसे उर्वरा क्षेत्र को, अत्यंत उर्वरा क्षेत्र को बदहाल किया है, कंगाल किया है, अराजकता और समस्याओं के गर्त में ले जाने का कार्य किया है, वहां मैं स्वयं चल करके देखूं। और मुझे 2017 में यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं यहां आया था, मैंने यहां की समस्याओं को देखा और मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने उन सभी समस्याओं को पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, बिना धैर्य खोए उन समस्याओं को लखनऊ में भी और यहां पर भी मेरे सामने रख करके कहा था कि इन समस्याओं का तेजवाई समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर न केवल अपनी पहचान को स्थापित करेगा बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रोथ इंजन के रूप में देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएगा और ये उत्तर प्रदेश को पहचान मिलेगी। तब मैं समझ नहीं पाया था कि आखिरकार गौतम बुद्ध नगर यूपी का भाग है, लेकिन मुख्यमंत्रियों के लिए अभिशप्त क्यों है? मैंने सूची देखी और अनुमान लगाया, यह सीएम के लिए अभिशप्त इसलिए था कि यहाँ की नौकरशाही जनता को कंगाल करती थी और खुद एवं अपने संरक्षकों को मालामाल करती थी। 2017 में यहाँ आकर मैंने समस्याओं को करीब से देखा। जनप्रतिनिधियों ने सभी समस्याओं को तन्मयता और धैर्य से मेरे सामने रखा, कहा कि समाधान होगा तो गौतम बुद्ध नगर ना सिर्फ नई पहचान को स्थापित करेगा बल्कि ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को एक अलग पहचान और एक अलग दिशा देगा। सीएम ने कहा कि मैं जहां भी गया वहां कुछ अधिकारी आए, वे बोलते थे कि हम यहां कार्य कर रहे हैं और बूढ़े माँ बाप के लिए नोएडा में एक फ्लैट के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, 10, 12, 15 साल हो गए पर फ्लैट नहीं मिले। हमने अथॉरिटी से कहा कि कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, हर एक बायस को उसका अधिकार मिलना चाहिए, यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाइए। सभी के सकारात्मक सोच का परिणाम है कि यूपी आज नए रूप में पहचाना जा रहा है। केंद्र सरकार की पॉलिसी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर बड़ा बदलाव करते हुए सकारात्मक वातावरण दिया है। 2014 के पहले का भारत और इसके बाद के भारत में बहुत अंतर है। 2014 के पहले का भारत समस्याओं और अविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन पहले देश के लोग विदेश में पहचान के लिए मोहताज थे, पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी और माफियाओं का आतंक था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर और योगी आदित्यनाथ का माफियाओं पर एक्शन पर एक्शन, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।